मैंने इस पानी की बोतल को खोला और ये देखिए पानी को देखिए आप, मैंने सारा पानी इसके अंदर डाल दिया। पानी से कितनी अच्छी लाइनिंग बनी है। आपकी विंडो यहां से स्टार्ट होती है क्रोम की, स्टार्ट होते हुए एंडिंग पॉइंट से आपका कर्व बनता है हुडस्कोप से और साथ में फिर आपका कर्व जाता है डोर वाइजर। क्वेश्चन होगा ये लाइट को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। बेसिकली देखेंगे ना, इस लाइट के ऊपर आपको इतनी सी एक एजेस दिख जाती है। एजेस दिखने का काम क्या, अगर गाड़ी कहीं से गाड़ी आती है ना सामने से, अगर आपका मिरर टच भी करता है, ये देख रहे हैं मिरर टच भी किया। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत आपको शुक्रिया करके कहना चाहूंगा कि आपने इतना सपोर्ट किया मेरे को वीडियोस के अंदर, इतने अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आए, इतनी अच्छी अच्छी आपकी क्वेरीज आई। कोशिश करता हूँ मैं मैक्सिमम क्वेरीज को रिसोल्व करूँ, मगर थोड़ा टाइम के अभाव के चक्कर में कुछ कुछ इंक्वायरीज रहती होती हैं जिनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। मगर मैं आने वाले भविष्य में आपके सामने ऐसे ऐसी वीडियोस लाऊंगा ताकि अगर आप अपनी गाड़ी को मॉडिफिकेशन के रुझान की तरफ लेके जा रहे हैं तो आप इजीली फैसला कर पाएं कि आपको अपनी गाड़ी में क्या लगाना और क्या नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे वेन्यू की एसेसरीज के बारे में। लास्ट प्रीवियस वीडियो मैंने आपको वेन्यू की एसेसरीज दिखाई थी ब्लैक कलर के अंदर, हमने क्या क्या क्रोम लगाया था एक एक करके मैंने आपको सारी आइटम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जिस गाड़ी के बारे में, वो भी वेन्यू है मगर आज वेन्यू की हम क्रोम की एसेसरीज की बात करेंगे। व्हाइट कलर के अंदर वेन्यू की क्रोम की एसेसरीज किस तरह आपको लगती है, एक एक करके मैं आपको सारी आइटम्स के बारे में बताऊंगा। इसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे अपनी व्हाइट कलर की गाड़ी अगर मैं वेन्यू ले रहा हूं तो उसको इनहेंस किस तरह करवा पाऊं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा माइक्रो फाइबर्स के बारे में, इन माइक्रो फाइबर्स की क्या क्या क्वालिटी आपको मिलती है गाड़ी को साफ करने में। चलिए दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहली एसेसरीज के बारे में जो वेन्यू के अंदर लगती है। शुरुआत में आपको गाड़ी की फ्रंट की एसेसरीज के बारे में करूंगा, फिर मैं गाड़ी की साइड लुक पे आऊंगा, साथ में मैं आपको थोड़ा बहुत गाड़ी का इंटीरियर दिखाऊंगा, फिर मैं कोशिश करूंगा गाड़ी के लास्ट की आपकी एसेसरीज के बारे में डिस्कस कर पाऊं। फ्रंट की गाड़ी में अगर मैं बात करूं, फ्रंट के लुक में अगर सबसे पहले मैं बात करूं, जो कस्टमर्स गाड़ी के अंदर मैक्सिमम अप्रोच करता है वो करता है हेडलाइट क्रोम। दोस्तों अब हेडलाइट क्रोम देख रहे हैं जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इस क्रोम का काम गाड़ी के लुक को इनहेंस करना है और साथ में आपकी लाइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम ये करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा ये लाइट को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। बेसिकली देखेंगे ना, इस लाइट के ऊपर आपको इतनी सी एक एजेस दिख जाती है। एजेस दिखने का काम क्या, अगर गाड़ी कहीं से हिट भी होती है ना तो आपकी लाइट्स को भी डिल्यूटेड प्रोटेक्ट ये करता है। सेकंड आइटम की बात मैं अगर आपके सामने करूं हेडलाइट के अलावा, सेकंड आइटम की बात करूं वो है गाड़ी के बम्पर प्रोटेक्टर्स। आप देख सकते हैं गाड़ी के बम्पर प्रोटेक्टर, गाड़ी के बम्पर प्रोटेक्टर के साथ मैं आपको इस साइड का पोर्शन का भी प्रोटेक्टर दिखाता हूं। आप ये देखिए कंपनी ने स्टाइलिश ब्लैक कलर के अंदर प्रोटेक्टर्स आपके लॉन्च किए हैं। इस प्रोटेक्टर को लॉन्च करने का रीजन क्या रहता है, कस्टमर की गाड़ी हमेशा कॉर्नर से हिट होती है, इससे क्या होता है आपकी गाड़ी की हीटिंग का कंसर्न नहीं आता और आपकी गाड़ी की जो लाइट्स हैं और जो गाड़ी के बम्पर्स हैं वो आपके प्रोटेक्ट रहते हैं। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 999 रुपये के करीब का आपको बम्पर प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं गाड़ी के साइड लुक के बारे में, आइए मेरे साथ। फ्रंट का डिस्कशन मैंने आपके सामने किया, फ्रंट की क्रोम्स को मैंने आपके सामने हाइलाइटेड किया जिसमें आपको मैंने हेडलाइट क्रोम के बारे में बताया और सेकंड आइटम मैंने आपको बम्पर प्रोटेक्टर के बारे में बताया। अब मैं आपसे साइड के लुक के बारे में बताता हूँ कि साइड के लुक के अंदर क्या क्या लगता है। सबसे पहली आइटम जो साइड के लुक में लगती है वो ORVM गार्निश लगती है। इस गार्निश में आप देखेंगे ना, ये जो कोने में एजिस है ना, आप देख सकते हैं एजिस के बारे में बात कर रहा हूँ, इन एजिस में आपको गैप भी नहीं मिलेगा। और ये जो क्रोम है ये डार्क क्रोम है दोस्तों, आप क्रोम देखेंगे ना शाइनिंग में नहीं डार्क क्रोम में है, जो इसकी लुक को एनहेंस करने में बहुत ज़्यादा योगदान दे रही है। क्रोम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेरे को तो साइड मिरर के क्रोम का यूज़ की बात करूँ तो एक ये लगता है, एक तो लुक एनहेंस करता है। कई बार दोस्तों दूसरी गाड़ी आती है ना सामने से, अगर आपका मिरर टच भी करता है, ये देख रहे हैं मिरर टच भी किया, तो आपके मिरर इस पर नहीं टूटेंगे, उससे आपके मिरर पर निशान नहीं पड़ेगा। कोई गाड़ी सामने से आई टच कर गई, देखेंगे इससे आपके मिरर के ऊपर निशान नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे फोर्थ आइटम की बात करता हूं जो आपको इसके अंदर मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको फेंडर फिनिशर। फेंडर फिनिशर की बात करो तो इसका काम गाड़ी की लुक को इनहेंस करना है। ऐसी जो वेन्यू की जो बेजिंग दे रखी है ना, अपने आप में इस गाड़ी की लुक को इनहेंस करने में बहुत ज्यादा योगदान दे रही है। इससे आपकी गाड़ी ना प्रीमियम लुकिंग में दिख रही है।
प्राइसिंग डिटेल तो मैं आपको बता दूंगा साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस समय मैं आपको सिर्फ व्यू दिखाता हूँ, लगभग 1400 से 1500 रुपए तक की आपको इसकी प्राइसिंग मिल जाती है। मैंने आपसे जो प्रीवियसली बात की थी फ्रंट की लुक के अंदर, मैंने हेडलाइट और बम्पर प्रोटेक्टर की बात की है आपसे, साइड में मैंने आपसे मिरर क्रोम्स की बात कर ली, इसके अलावा मैंने आपसे साइड फिनिशर्स की बात कर ली। अगली आइटम की मैं बात करता हूँ जो गाड़ी की लुक एनहांस करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है दोस्तों, वो है गाड़ी के क्रोम हैंडल्स। आप देख सकते हैं क्रोम हैंडल की लुक, इसका काम गाड़ी की लुक को एनहांस करने का है और अपने आप में एक गाड़ी की लुक को स्टाइलिश करने में भी बहुत ज़्यादा योगदान करता है। क्रोम हैंडल्स की लुक की बात आप देख सकते हैं, फोर डोर के आपके क्रोम हैंडल का पूरा आपको सेट मिलता है इसके अंदर। इसके अलावा अगली आइटम की मैं बात करूं क्रोम हैंडल के बाद, वो है गाड़ी के डोर वाइजर्स। आप देख सकते हैं गाड़ी के डोर वाइजर्स, अगर आप डोर वाइजर्स देखेंगे ना, डोर वाइजर की लुक को जो एंड मिलता है वो है हुड स्कोप। मैं आपसे बात करूं हुड स्कोप, इस हुड स्कोप का लगाने का बेनिफिट क्या है, आपकी डोर की पूरी लाइनिंग बन जाती है, यहां से लाइनिंग आते हुए यहां से कर्व बनते हुए आपकी लाइनिंग इस लाइनिंग से पूरी जुड़ जाती है। मैंने आपको इस समय डोर वाइजर्स के साथ हुड स्कोप के बारे में बताया जो उसकी लुक को एनहांस कर रहा है। इसके अलावा अगली आइटम है विंडो बीडिंग दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आपसे विंडो बीडिंग की बात कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों क्रोम लाइनिंग की बताता हूं कि तीनों चीजों को लगाने से कितनी अच्छी लाइनिंग बनी है। आपकी विंडो यहां से स्टार्ट होती है क्रोम की, स्टार्ट होते हुए एंडिंग पॉइंट से आपका कर्व बनता है हुड स्कोप से और साथ में फिर आपका कर्व जाता है डोर वाइजर से। आप देख सकते हैं ये पूरी लुक आपको मिलती है क्रोम की तीन आइटमों को इंस्टॉल करवाने से। मैक्सिमम जो जो मैंने क्रोम्स आपके बारे में बताई हैं साइट की, वो मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाते हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट आइटम की बताऊं, जो छोटी सी आइटम है मगर बेनिफिशियल आइटम है, वो है गाड़ी के पॉप गार्ड्स। गाड़ी दोस्तों कहीं हिट भी होती है ना कॉर्नर से, गाड़ी कहीं टच भी होती है तो आपकी गाड़ी पे माइनर ड्यूरेटेड डेंट भी नहीं पड़ते इसको इंस्टॉल करवाने के बाद। प्राइसिंग की बात करूं तो 479 रुपीज़ से इसका प्राइसिंग मिलता है आपको, आप इजीली किसी भी काउंटर से इसको कैच आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपसे अगली आइटम की बात करता हूं। अगली आइटम एक्सटीरियर में नहीं है, वो थोड़ी इंटीरियर में है, मैं आपको इंटीरियर में दिखाता हूं। आप देख रहे हैं दोस्तों ये है गाड़ी की स्कफ प्लेट्स। स्कफ प्लेट्स के बेनिफिट की अगर मैं आपसे बात करूं क्या होता है, हम गाड़ी के अंदर ऐसे पैर रख के बैठते हैं राइट, बच्चे गाड़ी में यहाँ पैर रख के बैठते हैं, यहाँ पैर रखने से क्या है आपके यहाँ पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, आपको स्क्रैचेस का कंसर्न नहीं मिलता, यहाँ का पेंट आपका इससे खराब नहीं होता, ये मेन काम आपको मिलता है वेन्यू की स्कफ प्लेट्स का। मैं आपको रियर की स्कफ प्लेट भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये स्कफ प्लेट्स आपकी रियर में होती हैं। इसके अलावा मैं अगर अगली आइटम की बात करूं, मैंने आपको फ्रंट की बात कर दी, मैंने आपसे साइड की बात कर दी, अब हम बात करते हैं गाड़ी के रियर के बारे में। रियर में जो आपको कंपनी क्रोम देती है वो आपको मिड की स्टाइलिश क्रोम देती है बीडिंग, जो गाड़ी के लुक को एनहांस करने में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। इस लाइट की कॉम्बिनेशन को अगर मुझे जोड़ना है तो साथ में आपको टेल लाइट में भी कंपनी क्रोम देती है, जिससे आपकी गाड़ी की लुक बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। इसके अलावा मैं बात करूं बम्पर प्रोटेक्टर्स के बारे में, मैंने आपको पहले भी बताया था वैसे रियर में आपको बम्पर प्रोटेक्टर मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन आइटम की जो मैंने इस गाड़ी में इंटीरियर में लगाई है, वो है दोस्तों फुल फ्लोरिंग्स। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा फुल फ्लोरिंग्स क्या होती है, इसका मैं आपको लाइव डेमो करके दिखा दूं तभी समझ पाएंगे आप फुल फ्लोरिंग होती क्या है। फ्लोरिंग का डेमो देने के लिए मुझे पानी की बोतल मैंने रख ली है, माइक्रोफाइबर रख ली है, अब मैं आपको बताता हूँ फ्लोरिंग के क्या यूज है दोस्तों, आइए मेरे साथ मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आपसे इस फ्लोरिंग के बारे में। आप देखेंगे पूरे कर्व टू कर्व आपकी इंस्टॉल होती है, इससे आपके जनरल मैट बिल्कुल भी खराब नहीं होते। अगर दोस्तों इसके अंदर मैं पानी भी डाल दूंगा ना तो आपके जो इंटीरियर के मैट्स हैं वो सक नहीं करते। बेसिकली क्या होता है, जब हम पानी पी रहे होते हैं या फैमिली के साथ के बैठे हैं आउटिंग में कुछ खा पी रहे हैं, अगर हमारे नीचे मैटों में चला जाता है ना या पानी भी चला जाता है तो ओवर द सबलेट है वो स्मेल क्रिएट करते हैं और आपके जो जेन्युइन मैट्स हैं वो भी खराब आपके हो जाते हैं। फ्लोरिंग करने से क्या है, आपके जेन्युइन मैट्स आपके खराब नहीं होते। अगर मैं फ्लोरिंग के एक बेनिफिट के बाद में और बताऊँ, आपकी सीट के जो नीचे का टेक्स्चर है ना उस पर भी आपकी फ्लोरिंग इंस्टॉल होती है। ये देखिए आप, ये टेक्स्चर है ना नीचे का, इसमें भी आपको फुली फ्लोरिंग मिल जाता है। मैं आपको रियर भी दिखाता हूं, देखिए अब मैं आपको रियर की फ्लोरिंग दिखाता हूं, ये देखिए आप टेक्सचर नीचे का, देखिए आप पूरा कर्व आपका फ्लोरिंग से इसके साथ आपका बना हुआ है। अब मैं आपको फ्लोरिंग का बेनिफिट दिखाता हूं, जैसे ही पानी की बोतल है आप आगे आइए, मैंने इस पानी की बोतल को खोला और ये देखिए पानी को देखिए आप, मैंने सारा पानी इसके अंदर डाल दिया। अब मैं वेट करता हूँ कुछ सेकंड्स की, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या पानी को नीचे वाले मैट ने सक किया है या नहीं किया है। ये देखिए दोस्तों आप आइए, ये देखिए पानी अभी भी ऊपर है, आप देख रहे हैं, ये देखिए
ये देखिए, ये पानी अभी भी ऊपर है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, पानी तो ऊपर है, इस पानी को साफ कैसे करेंगे? आप किसी भी घर में कपड़े से इस पानी को इसलिए साफ कर सकते हैं, इससे क्या होगा आपके जनरल मैट्स खराब नहीं हो सके। मैं अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिस क्लोथ के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, वो है माइक्रोफाइबर क्लोथ। इस क्लोथ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर पानी सक करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ का एक क्लोथ मिलता है। अब मैं आपको इसके बेनिफिट भी दिखाता हूँ मैट के साथ साथ, ताकि आप मैट का बेनिफिट भी देख पाएं और साथ में आप फ्लोरिंग के अंदर इस माइक्रोफाइबर क्लोथ का बेनिफिट देख पाएं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पानी आपका ऊपर है। देखिए, मैंने कम से कम 300 ml की बोतल का पानी मैंने यूज़ किया था। अब मैंने इस माइक्रोफाइबर क्लोथ को इस मैट पर रख दिया। ये देखिए, रख दिया। अब मैंने इसको सिर्फ ऐसे, मैंने अभी इसको प्रेस ऐसे ऐसे नहीं किया दोस्तों, सिर्फ ऐसे रखा है। ये देखिए, देखिए आपका पूरा मैट साफ हो गया और पूरा पानी का पार्टिकल आपका इसके अंदर आ गया। दोस्तों, अगर इस पूरे माइक्रोफाइबर क्लोथ को अगर मैं एक बंग में भी डाल दूंगा ना, ये पूरा पानी सक कर लेगा। ये देखिए, आपको देखने में लग रहा है ना पानी नहीं है। अब ये देखिए आप, देख रहे हैं आप, इतना पानी सक किया है इस माइक्रोफाइबर क्लोथ ने, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। और सबसे बड़ी बात, आपने सिर्फ इसको पानी एक बार झाड़ने के बाद, आप किसी भी धूप वाले एरिया में इसको आप रख देंगे ना 15 मिनट भी, आपका ये मैट प्रॉपर सूख जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। जो जो मैंने आपको सामान बताया है आपके लिए जरूर बेनिफिशियल वाला होगा। तभी भी कुछ आपकी क्वेरी होगी तो कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की मैं कोशिश करूंगा। नमस्कार।